अस्सलामुअलैकुम। हम इस वीडियो में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स, और क्लास सिक्स की हम पढ़ेंगे द लर्निंग ऑफ साइंस। द लर्निंग ऑफ साइंस का हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर सिक्स है, हम उसकी रीडिंग करेंगे आज। इसका इंट्रोडक्शन और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम जो है वो पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज जो है वो हम इस चैप्टर की इस वीडियो के अंदर जो है वो रीडिंग स्टार्ट करेंगे जी। तो चैप्टर नंबर सिक्स है हमारा सॉल्यूशंस एंड द सस्पेंशन। सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं, सस्पेंशन हम किसको कहते हैं, ये सब कुछ हम इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं। आप उसके लिए जो है वो किसी वीडियो चेक कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए और उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। इन प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में यू हैव लर्न, आप सीख चुके हैं अबाउट डिफरेंट मिक्सचर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मुख्तलिफ किस्म के मिक्सचर्स और उनके खासियत के बारे में। मिक्सचर्स आर कम्पोज ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस, मिक्सचर जो है वो मिलके बनते हैं दो या दो से ज़्यादा अशिया से। विच आर मिक्स टुगेदर, जो आपस में जो है वो मिक्स होते हैं, एंड कैन बी सेपरेटेड ईजिली, और आप इनको जो है वो बड़ी आसानी से अलग भी कर सकते हैं। अब वट आर सॉल्यूशंस, तो फिर सॉल्यूशंस किसको कहते हैं। सॉल्यूशंस आर कम्पोज, सॉल्यूशन मिलके बनते हैं हम सब्सटेंसेस अशिया के, विच आर मिक्सड, जो कि मिक्स होती हैं कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर, एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, और आप उसको नहीं पहचान सकते एज सेपरेट सब्सटेंसेस, अलग अशिया के तौर पर ईजिली आसानी से, यानी कि आप उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। हाउएवर, ताहम देखें वी ईजिली बी सेपरेटेड बैक इन टू द ओरिजिनल सब्सटेंसेस, ताहम ये बड़ी आसानी से जो है वापस अपनी पहली हालत में अलग हो जाती हैं। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड डिजॉल्व कम्प्लीटली इन अ लिक्विड। सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर जो सॉलिड है वो मुकम्मल तौर पर लिक्विड के अंदर हल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सॉल्ट और शुगर इन वाटर, जैसे कि नमक या फिर चीनी को पानी में हल करें। इफ़ यू टेक सम ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन, अगर आप कुछ कतरे लेते हैं शुगर के सॉल्यूशन के, दे विल ऑलवेज हैव द सेम कंपोजिशन, तो उनकी कंपोजिशन हमेशा जो है वो एक जैसी होगी। When two or more solids, जब दो या दो से ज़्यादा solid जो हैं are completely mixed together, मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में जो है वो मिक्स हो जाते हैं, then new substance is called an alloy, तो जो नई चीज़ बनती है उसको हम क्या कहते हैं, alloy। For example, मिसाल के तौर पर brass is a mixture, brass जो है एक mixture है of copper and zinc, किसका, copper और zinc का, तो it can be called a solid solution, तो इसको हम solid solution भी कहते हैं, यानी alloy जो है वो एक solution form है और सॉलिड फॉर्म है जिसके अंदर सॉलिड सॉलिड में ही हल होता है। सॉल्यूशंस आर कंपोज्ड ऑफ, सॉल्यूशन मिलके बनते हैं टू कंपोनेंट्स, दो अज्जा से, जिसको सॉल्वेंट और सॉल्यूट कहते हैं। सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल्स जो कि सॉल्वेंट के अंदर हल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। इट इज़ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, सॉल्यूट एक ऐसा अज्जा है सॉल्यूशन का जो थोड़ी मिकदार में होता है। And the solvent is that part of the solution, और जबकि solvent वो हिस्सा है solution का which dissolves the solute, जो कि solute को अपने अंदर हल करता है। Usually solvent is a component present in greater amount, और आमतौर पर solvent ही वो component है जो कि solution के अंदर ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। In a sugar and water solution, sugar is solute and water is solvent, जैसे कि अब sugar का और पानी का जो solution है उसके अंदर sugar थोड़ी amount में होती है तो ये solute है, और वाटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको वो क्या है, सॉल्वेंट। द सॉल्यूशन मे बी ऑफ सॉलिड्स डिसॉल्वड इन लिक्विड, सॉल्यूशन जो है वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जैसे कि सॉलिड लिक्विड में हल होता है, गैसेस डिसॉल्वड इन गैसेस, या फिर कोई गैस दूसरी गैस के अंदर हल हुई होती है, जैसे कि एयर भी है। लिक्विड डिसॉल्वड इन लिक्विड, या फिर लिक्विड जो है वो लिक्विड के अंदर ही हल होता है। एनी वन सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड, और यहाँ तक कि सॉलिड जो है वो भी सॉलिड के अंदर हल होता है, यानी ये मुख्तलिफ एग्जाम के सॉल्यूशंस होते हैं। व्हेन अ सॉल्यूट इज नॉट डिसॉल्वड इन अ सॉल्वेंट, और जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में हल नहीं होता, वी से दैट सॉल्यूट इज इनसॉल्युबल, तो हम पे कहते हैं कि ये सॉल्यूट क्या है, ये गैर हल पसीर है। नेक्स्ट पेज, इन वी मोस्टली डील, हम ज्यादातर जो है वो डील करते हैं सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस के साथ विच हैव सॉलिड डिसॉल्वड इन लिक्विड, जिसके अंदर सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर हल होता है। देयर आर सम सॉल्यूशंस फाउंड इन नेचर, इनमें कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं, कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल बॉडीज ऑफ द वाटर, कुदरती जो है बॉडीज जो कि पानी के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि समंदर में, ओशंस में, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, खून में,
खाना डाइजेस्टिव फूड उसमें एंड सम मिनरल और इसके अलावा कुछ मातमियाती और यानी जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं उनमें भी मुख्तलिफ चीज़ें हल होती हैं। मैनी मटेरियल्स इन नेचर आर यूजफुल, बहुत ज़्यादा चीज़ें कुदरत में जो है वो हमारे फ़ायदेमंद है ओनली वन दे आर इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, तभी जब वो सोल्यूशन के फॉर्म में हमें मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्लांट्स के नॉट अब्जॉर्व मिनरल्स, प्लांट्स अब्जॉर्व नहीं कर सकते मिनरल्स को डायरेक्टली सॉइल से जब तक अनलेस दीज मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, जब तक वो सोल्यूशन फॉर्म में नहीं मिलते यानी कि पानी में हल हुए वो सॉलिड उसको नहीं कर सकते। The food we eat is changed into a solution during digestion. जो खाना हम खाते हैं उसको बदल वो भी बदल दिया जाता है solution में जब digestion का process होता है हाजमे का and nutrients in solutions are dissolved in the blood. और फिर वो जो nutrients हैं जो हमारे खाने में हम खाते हैं digestion के बाद वो हमारे blood में हल हो जाते हैं और एक solution बना देते हैं। सी वाटर इज़ अ सोल्यूशन, अब समंदर का जो पानी है वो भी एक सोल्यूशन है हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ साल्ट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में साल्ट होते हैं मिनरल्स मादनियात होते हैं देन एनी अदर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, किसी भी और जो पानी का हमारे पास जरिया है उसकी नस्बत। रेन वाटर इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन, बारिश का पानी भी सोल्यूशन है डिफरेंट गैसेज मुख्तलिफ गैसेज का, जैसे उसके अंदर ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है एंड मैनी अदर, इसके अलावा और भी बहुत सी जो है वो गैसेज हैं। Now, water, the universal solvent, के पानी को जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा जो है वो रिमार्केबल जो खसूसियत है वाटर की इज़ इट्स अबिलिटी, वो इसकी खसूसियत है ये इसकी काबिलियत है टू डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, की बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। फॉर दिस रीज़न इस वजह से इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। However, ताहम there are some substances, कुछ अशिया ऐसी हैं जैसे ग्रीस है पेंट है फैट है यानी ऑयल which do not dissolve in it, जो इसके अंदर हल नहीं होते। Our earth is composed of, हमारी जो ज़मीन है ये मिलके बनी है 70-90% water, 70-90% जो है वो पानी से। Chemical compose reactions in plants and animals which support life process take place in water presence. और केमिकल रिएक्शंस जो प्लांट्स और एनिमल के अंदर होते हैं जो कि उसकी ज़िंदगी यानी कि उसके अंदर होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं उनको सपोर्ट करते हैं उसकी वजह से होते हैं, ये भी पानी की मौजूदगी में ही होते हैं। इन आर बॉडी, हमारे जिस्म में मैनी हार्मफुल सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा ऐसे ख़तरनाक चीज़ें पैदा होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो वाटर डिजोल्व दी सब्सटेंसेस, तो पानी क्या करता है वो इन चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है एंड देन दे आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी, और फिर इसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड दी पर्सपिरेशन, यूरिन और हमारी स्वेटिंग के जरिए यानी पसीने के जरिए। वाटर हैज़ एबिलिटी टू डिजोल्व मैनी गैसेस, वाटर के अंदर ये एबिलिटी है कि यह हल कर सकता है बहुत ज़्यादा गैसेस को, ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ दैम, उनमें से ऑक्सीजन एक है एंड दिस हेल्प्स एक्वेटिक लाइफ, और ये मदद करती है पानी में रहने वाली जो ज़िंदगी है इन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के वो ब्रीथ कर सकें सांस ले सकें अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकें अंडर वाटर पानी के अंदर। एट होम वी यूज़ साल्ट, घरों में हम साल्ट को इस्तेमाल करते हैं, नमक शुगर इस्तेमाल करते हैं चीनी स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं मसाले वगैरह व्हाइल वी आर कुकिंग, जब हम खाना पका रहे होते हैं। ऑल दीज थिंग्स डिजोल्व इन वाटर, तो ये सारी चीज़ें भी पानी में हल होती हैं एंड मेक आवर मील्स टेस्टी, और हमारे लिए हमारा खाना जो है वो मज़ेदार बनाते हैं। इन एग्रीकल्चर, ज़राइत में फार्मर्स जो किसान हैं एंड गार्डनर्स और जो ये माली हैं स्प्रेड फर्टिलाइजर्स ऑन द सॉयल, ये फैला देते हैं खादों को ज़मीन में एंड व्हेन इट रेन्स, और जब बारिश होती है आर दे वाटर द प्लांट, या फिर जब ये अपने पौधों को जो है वो पानी देते हैं क्रॉप्स और फसलों को, दीज फर्टिलाइजर्स आर डिजॉल्व इन वाटर, तो ये जो खाद वो डालते हैं ये पानी में हल होती है एंड रूट्स अब्सॉर्ब दिस वाटर, और जड़ें जो है वो इस पानी को जो है वो क्या करती हैं जज़ब करती हैं सॉयल ज़मीन में से एंड प्लांट्स गेट देयर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, और उनमें हल हुए जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट हासिल कर लेता है। वाटर इज़ फाउंड एवरीवेयर, पानी हर जगह पाया जाता है ना अर्थ हमारी ज़मीन में, इट कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, ये ज़मीन की जो सरफेस है उसका तकरीबन एक तिहाई हिस्सा जो है वो इसको कवर किया हुआ है। लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, बड़े जो बॉडीज़ हैं पानी की यानी कि पानी में रहने पानी में जो
ज़्यादा मिकदार में जहाँ पानी पाया जाता है, जैसे कि समंदर है, ये सीज एंड ओशंस हैं, और साल्टी वाटर, ये सारा जो पानी है ये साल्टी है, यानी नमक वाला है. फॉर अनकाउंटेबल सेंचुरीज रेन हैज़ बीन फिलिंग द वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. और तकरीबन जो है कितनी सदियों से, जिसकी तादाद नहीं हम गिन सकते, बारिश का जो पानी है ये इन रिवर्स को, लेक्स को पूरी दुनिया में जो है ये फिल करता है, बारिश का पानी. दिस वाटर इवेंचुअली फॉल्स इन द सीज, और फिर ये पानी सारा कहाँ गिर जाता है, समंदरों में, अलॉन्ग विद मिनरल्स एंड साल्ट, जो इसके अंदर मिनरल्स और साल्ट होते हैं उनको साथ लेकर, विच हैव बीन डिसॉल्वड इन इट, जो कि उसके अंदर हल होते हैं. एट फर्स्ट इट इज़ नॉट एज साल्टी, पहले ये इतना नमकीन नहीं था एज अ सी वाटर जितना कि समंदरी पानी, बट ओवर द सेंचुरीज, लेकिन अब जो है काफ़ी सदियों से इट बिकेम मोर एंड मोर कंसनट्रेटेड, अब बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा होता जा रहा है. अब यहाँ हम एक नई टर्मिनोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, द कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन. अब जो गाढ़ापन है सोल्यूशन का, जो कंसनट्रेशन है, वो डिपेंड किस पे करती है, मुनहसर करती है ऑन द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, रेशो के ऊपर कि कितनी अमाउंट सोल्यूट की, कितने अमाउंट सॉल्वेंट में हल की गई है. डाइल्यूट रेफर्स टू लो कंसनट्रेशन. डाइल्यूट का मतलब है कि ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसनट्रेशन कम है, यानी कि जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम है. इट इज़ नॉट अ क्वान्टिटेटिव टर्म, ये क्वान्टिटेटिव टर्म नहीं है, मतलब आप इसमें फिगर नहीं बताते कि इतनी जो है इतना परसेंट है, बस आप इसमें क्या होता है कि एक माइंड में व्यू आ जाता है फोरी. डायल्यूट का मतलब है कि इसके अंदर भी गुंजाइश है सोल्यूट की, भी डल सकता है और ये गाढ़ा नहीं है. और जहाँ कंसनट्रेटेड वर्ड आएगा तो इसका मतलब है जहन में फोरी आ जाएगा कि ये सोल्यूशन काफ़ी गाढ़ा है, यानी प्योर है, इसके अंदर सॉल्वेंट की मिकदार जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, या फिर कह रहे हैं कि सोल्यूट बहुत ज़्यादा है. इंस्टेड इट इज़ मोर क्वालिटेटिव, बल्कि ये क्वालिटेटिव है, यानी जिसके अंदर आप सिर्फ मिकदार बताते हैं, क्वांटिटी में आप फिगर बताते हैं, क्वालिटी में आप सिर्फ उसकी जो है वो मिकदार यूं जो है वर्बली बताते हैं. डाइल्यूट हैविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट. डाइल्यूट का मतलब है कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर बहुत थोड़ी मिकदार में सोल्यूट है, इन ए लार्ज नंबर ऑफ सॉल्वेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, बहुत ज़्यादा मिकदार में सॉल्वेंट के अंदर. इन द गिवन पिक्चर, ये नीचे आपको एक पिक्चर उन्होंने दिखाई है, ये भी हम देखते हैं. ईच सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर. हर सोल्यूशन के अंदर जो है वो क्या है, शुगर और वाटर का सोल्यूशन है. शुगर इज अ सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. यहाँ पे शुगर जो है वो सोल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है. सोल्यूशन ए हैज ट्वाइस एज मच शुगर एडेड टू द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज सोल्यूशन बी. शुगर जो सोल्यूशन ए है हमारे पास, उसके अंदर शुगर की अमाउंट डबल है, जबकि सोल्यूशन बी और सोल्यूशन ए दोनों के अंदर वाटर की अमाउंट सेम है. तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन ए इज़ मोर कंसनट्रेटेड, सोल्यूशन ए ज़्यादा गाढ़ा है, एंड सोल्यूशन बी की निस्बत, या फिर सोल्यूशन बी इज़ मोर डाइल्यूटेड, या फिर ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन बी जो है वो डाइल्यूट है. नीचे आपको ये फिगर दिखाई है उन्होंने, सोल्यूशन ए एंड द सोल्यूशन बी बोथ हैव इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों के पास जो है वो इक्वल वाटर है, बट द सोल्यूशन ए हैज़ अ ट्वाइस अमाउंट ऑफ द शुगर एज कम्पेयर टू द सोल्यूशन बी. लेकिन सोल्यूशन ए के पास देखें डबल अमाउंट है शुगर की एज कंपेयर टू सोल्यूशन बी. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अब जहां पे हम डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की बात करते हैं, वहां हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी आती है. अ सैचुरेशन पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन. सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचना, ये भी सबसे अहम खसूसियत है किसी भी सोल्यूशन की. सेचुरेशन पॉइंट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट. सेचुरेशन पॉइंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट है सोल्यूट की दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन, जो कि हल हो सकती है किसी भी सोल्यूशन में. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, व्हेन यू ऐड शुगर इन ए ग्लास ऑफ वाटर, जब आप शुगर ऐड करते हो एक ग्लास ऑफ वाटर में, इट विल डिसॉल्व इन इट, तो ये इसमें हल हो जाता है. बट व्हेन यू कीप ऑन एडिंग शुगर, लेकिन जब आप मज़ीद चीनी ऐड करते जाते हैं इन वाटर, पानी में, एट अ सर्टेन पॉइंट, एक खास हद तक, नो मोर शुगर विल डिजॉल्व इन इट, अब मजीद शुगर इसमें हल नहीं होगी. दिस पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट. तो ये वाला जो टाइम होगा कि जब आप ग्लास ऑफ वाटर के अंदर शुगर ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है कि वो मजीद हल नहीं होती बल्कि नीचे बैठने लग जाती है, तो हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, एंड द सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन. और सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन. इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व. सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर मजीद साल्ट सोल्यूट जो है वो हल नहीं हो सकता. द एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट विल सेटल डाउन. जो ज़्यादा अमाउंट होगी अब सोल्यूट की, जो हल नहीं हो सकती, अब वो नीचे बैठने लग जाएगी, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ इट्स कंटेनर, अपने कंटेनर के.
एंड अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, और जबकि जो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन हैज एबिलिटी, उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि टू डिजोल्व मोर सोल्यूट, कि वो मजीद सोल्यूट को जो है वो हल कर सकता है अनटिल इट रीच इट्स सेचुरेशन पॉइंट, जब तक ये अपने सेचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुँचता. नाउ द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, मैटर का जो है वो पार्टिकल्स का मॉडल. इन साइंस, साइंस में अ मॉडल इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट अ साइंटिफिक स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस. मॉडल एक तरीका होता है जाहिर करने का साइंटिफिक साख्त या फिर कोई प्रोसेस बताने के लिए. साइंटिस्ट यूज़ अ पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मैटर का, पार्टिकल्स का मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए खसूसियत को सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के. यू नो, आप जानते हैं दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जो हर चीज़ है इज़ मेड ऑफ मैटर, ये मैटर से मिलकर बनी है एंड इज़ फाउंड इन थ्री स्टेट, और ये तीन हालतों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. द पार्टिकल्स एंड सॉलिड्स आर हेल्ड टाइटली टुगेदर, और जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं इन अ फिक्स्ड एंड रेगुलर पैटर्न, एक अपनी जगह पे, यानी फिक्स होते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ते, और रेगुलर पैटर्न होता है यानी कि एक तरतीब में लगे होते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है आपको. ये जितने भी सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये सारे एक तरतीब में जो है वो अरेंज हुए हैं. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, जो जगह है पार्टिकल्स के दरमियान में वो बहुत थोड़ी है. एंड दे वाइब्रेट इन अ फिक्स पोजिशन, और ये वाइब्रेट करते हैं लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते. इन सॉलिड पार्टिकल्स के नॉट मूव प्लेस टू प्लेस, और सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी खुद नहीं करते. जैसे अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये पेंसिल ही है, तो ये भी सॉलिड है और इसके पार्टिकल्स जो अरेंज है दैट्स व्हाई ये शेप में है, और ये अपनी शेप चेंज नहीं करती नॉर्मली. देन लिक्विड, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स आर एबल टू मूव अराउंड एंड पास ईच अदर. लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स काबिल होते हैं कि वो मूव कर सकें और पास हो सकें एक दूसरे के ऊपर. द स्पेसेस आर बिट लार्जर देन इन सॉलिड, और जो बीच में उनके जगह होती है वो भी जो है सॉलिड के निस्बत ज़्यादा होती है. एंड द लिक्विड फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकता है, बह सकता है एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और जिस बर्तन में आप उसको डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है. एंड दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्क्वैश्ड, लेकिन आप उसको क्या कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, उसको स्क्वीज नहीं कर सकते. अगर आप ऐसे करते हैं तो उनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाती है. तो ये आप ये पार्टिकल्स को जो है वो चेक कर सकते हैं कि इनके दरमियान में स्पेस है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स दिखाएं. देन द लास्ट वन, द पार्टिकल ऑफ गैसेस कैन मूव फ्रीली, लेकिन जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत फ्रीली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, हर सिमत में. द स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर लार्ज, इनके दरमियान में जो जगह है वो बहुत ज़्यादा है. दे मूव क्विकली इन ए स्ट्रेट लाइन, ये एक ही लाइन में जो है बड़ी तेज़ी से हरकत करते रहते हैं. द पार्टिकल्स इन गैसेज फ्लो एंड कम्प्लीटली फिल द अवेलेबल स्पेस, पार्टिकल्स हैं जो गैसेस के ये फ्लो करते हैं और जो जगह है इनके दरमियान में उसको घेर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, अब ये जो मॉडल देखा हमने पार्टिकल्स का, मैटर का, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का, और मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, क्या रिजल्ट निकाला हमने कि ये सारी जो हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है. दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं दैट वो कैन नॉट सी देम विदाउट अ माइक्रोस्कोप, कि हम इन्हें माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते. We can explain the formation of solution. हम वजाहत कर सकते हैं solution के बनने के तरीके को with the help of the particle model of matter, matter के particles के model पे. As shown in the picture, जैसे कि picture में दिखाया जा रहा है, when we drop a cube of sugar in the water, जब हम एक cube sugar का जो है वो पानी में डालते हैं, it breaks into particles, तो वो टूट जाता है अपने particles में. And they spread between the space of the water molecules. और चूँकि पानी के molecules में space होती है तो ये उनको घेर लेता है. It is because of the movement of the water particles which gradually dissolve in water completely and form a sugar and water solution. और ये क्यों होता है, क्योंकि water के molecules move करते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, सारा जो solid के particles हैं उसको घेर लेते हैं और एक शुगर और वाटर का सोल्यूशन बना देते हैं. अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, और ये पार्टिकल मॉडल है जो मैटर का, इसके मुताबिक अ सोल्यूशन कंटेन पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. एक सोल्यूशन के अंदर दोनों के पार्टिकल्स होते हैं, सोल्यूट के और सॉल्वेंट के, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोल्यूशन, जो कि बराबर हिस्सा लेते हैं और बटे होते हैं सोल्यूशन के अंदर.
सोलबिलिटी का मतलब है हल पजीरी. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सबसे ज़्यादा मकदार सोल्यूट की दैट कैन बी डिजोल्व बाय अ सॉल्वेंट, जो कि हल कर सकता है कोई भी सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर में, इज डिफाइंड एज सोलबिलिटी. ये जो है सोलबिलिटी की डेफिनेशन है ऑफ द सोल्यूट. इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सोल्यूशन के, विल इंक्रीज अ सोलबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, तो वो बढ़ाती जाएगी सोलबिलिटी भी उस सोल्यूट की, उस सोल्यूशन के अंदर. मीनिंग इसका मतलब हुआ, मोर सोल्यूट विल डिजोल्व इन द सोल्यूशन, के हाई टेम्परेचर में मजीद सोल्यूट हल हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर. देर आर फ्यू सॉलिड्स विच आर लेस सॉलेबल विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. कुछ सॉलिड ऐसे भी हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सोलबिलिटी कम हो जाती है. ऑल गैसेज विल हैव अ रिड्यूस सोलबिलिटी, तमाम गैसेज की सोलबिलिटी भी कम हो जाती है विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं. सोलबिलिटी ऑफ लिक्विड सोल्यूट डिपेंड्स ऑन देयर प्रॉपर्टी, सोलबिलिटी है जो लिक्विड सोल्यूट्स की वो डिपेंड करती है उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर. गैसेस की सोलबिलिटी कैसे जो है वो कम है या रिड्यूस हो जाती है, जैसे देखें हमें पता है कि वाटर के अंदर दो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन होती है और हाइड्रोजन होती है. तो कभी ऐसा हो कि आपने पानी का जो बर्तन है उसको आपने हीट पर रखा हो, तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं तो वो सारा पानी कहाँ चला जाता है, वो सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है. क्यों? आपने हाई टेम्परेचर जैसे देते हैं तो ये जो हल हुई गैसेस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये छोड़ छोड़ के क्या करती हैं, भागना शुरू कर देती हैं, मतलब कि इनकी सोलबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है, रिड्यूस होने लग जाती है, इसलिए वो सारा पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाता है. लेट अस सी एन एक्सपेरिमेंट दैट इलस्ट्रेट सोलबिलिटी, एक तजुर्बा देखते हैं हम जिससे हमें सोलबिलिटी को जो है वो हम वजाहत कर सकें. टेक कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स, घर की कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं वो लें, जैसे कि शुगर, चीनी ले लें, एंड सी हाउ मच ऑफ इट विल मिक्स इन ए कप ऑफ वाटर, और देखें कि कितनी ज़्यादा मकदार जो है वो एक कप पानी के अंदर हल होती है बिफोर शुगर स्टार्ट टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द कप, इससे पहले पहले जब शुगर जो है वो नीचे बैठना शुरू कर दें. मैं ये आउट वन लीटर वाटर, एक लीटर पानी लें, रिकॉर्ड इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लें, एंड मेक श्योर दैट इट इज़ कॉन्स्टेंट, और इस बात का आपको जो है वो ध्यान रखना है कि उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, जितना आपने नोट किया था वो उतना ही रहे. इट इज़ ईजीएस्ट टू स्टार्ट एट रूम टेम्परेचर, ये आसानी है हमारे लिए कि अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पर ही स्टार्ट करें, यानी कि नॉर्मल, कोई हीट नहीं देनी. पोर अ स्मॉल मेजर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन टू द वाटर एंड स्टिर इट टू डिजॉल्व द सब्सटेंस. सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पे सोल्यूट आएगा, कि पोर अ स्मॉल मेजर्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि आप पोर जो है डालें उसके अंदर थोड़ी सी लेकिन मेजर की हुई क्वांटिटी, जिसकी पैमाइश आपने की हो उसको आप पानी के अंदर डालें, यानी पानी सॉल्वेंट है यहाँ पे, एंड स्टिर इट, और फिर उसको क्या करें, हिलाते जाएं टू डिजॉल्व द सब्सटेंस, ताकि वो चीज़ जो है उसमें हल हो जाए. कंटिन्यू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को जारी रखें अंटिल नो मोर ऑफ द सॉल्वेंट डिजॉल्व्स इन द सॉल्यूशन, जबकि मजीद जो है वो चीनी उसके अंदर हल ना हो. यू विल बी एबल टू सी दिस, आप इसको देख सकते हैं, देख सकेंगे, बिकॉज एट सम पॉइंट द सोल्यूट विल फॉल एट द बॉटम इन द कंटेनर, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब सोल्यूट है वो नीचे कंटेनर पे बैठना शुरू कर देगा, इंडिकेटिंग दैट द सोल्यूशन कैन नो लॉन्गर होल्ड द सब्सटेंस, और ये इस बात की निशानदेही कर रहा होगा कि अब ये सोल्यूशन मजीद उस चीज़ को जो है वो होल्ड नहीं कर सकता. दिस मीन्स, इसका मतलब हुआ सोल्यूशन इज सैचुरेटेड, कि सोल्यूशन सैचुरेट हो गया है. एंड रिकॉर्ड द टोटल वेट ऑफ सोल्यूट एडेड टू द वाटर, आप रिकॉर्ड कर लेंगे आपने कितनी अमाउंट सोल्यूट की जो है इस एक लीटर पानी के अंदर डाली थी एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन पे पहुँचने, जब सैचुरेट पे पहुँच जाए उससे पहले पहले तक. दिस मास इज टिपिकली रिकॉर्डेड इन ग्राम, और इस मास को हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, ग्राम्स में. नोट दैट द सोलबिलिटी इज रिकॉर्डेड इन यूनिट ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ये नोट रखें कि सोलबिलिटी को जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो उसका यूनिट हम सोल्यूट का यूनिट ग्राम में लेते हैं और सॉल्वेंट का लीटर में, कि इतने लीटर में इतने ग्राम जो है वो हल हुआ है. If you were using sugar as your solute, अगर आप sugar को इस्तेमाल करें अपने solute के तौर पर, and you recorded that 1 liter water could hold 200 gram of sugar, और आप ये record किया आपने कि 1 liter पानी था और उसके अंदर 200 gram sugar हल हो गई before the sugar started to settle at the bottom of the container, इससे पहले कि sugar container पे नीचे बैठना शुरू हुई उससे पहले तक इसने 200 gram जो है वो हल अपने अंदर कर लिया था, तो you would record the solubility as, तो आप उसकी solubility कैसे record करेंगे, 200 gram of sugar
200 ग्राम ऑफ शुगर यानी पर लीटर, यहाँ पे नीचे आपने ये लीटर का जो है वो साथ में यूनिट लिखना है. दिस वैल्यू इज़ द सोलबिलिटी एट रूम टेम्परेचर, और ये सोलबिलिटी कहलाएगी उस सल्यूट की रूम टेम्परेचर. देन द सस्पेंशन. सम लिक्विड मिक्सचर्स आर क्लाउडी एंड आर नॉट क्लियर. कुछ लिक्विड जो मिक्सचर हैं वो थोड़े धुंधले होते हैं और वो को आप साफ दिखाई नहीं देते, आप साफ नहीं उनको देख सकते, शफाफ नहीं होते. एंड सम स्टार्च टू एड सम स्टार्च टू अ बीकर ऑफ वाटर एंड स्टिर इट. थोड़ी सी स्टार्च जो है पानी में डालें और उसको हिलाएं. यू विल सी द मिक्सचर इज़ नॉट क्लियर. आप देख सकेंगे कि मिक्सचर क्लियर नहीं है. इंस्टेड बजाय इसके इट इज़ क्लाउडी, ये क्या हो गया, धुंधला हो गया. द स्टार्च मिक्सेस विद वाटर, स्टार्च जो है वो पानी में हल हो गई है, बट इट डज नॉट मेक अ लिक्विड सोल्यूशन, लेकिन इसने लिक्विड सोल्यूशन नहीं बनाया. रिमेंबर डैट अ लिक्विड सोल्यूशन इज क्लियर, याद रखें कि जो लिक्विड सोल्यूशन है वो शफाफ होता है. दिस न्यू, ये नया क्लाउडी काइंड ऑफ मिक्सचर, ये जो धुंधला किस्म का मिक्सचर है, इसको सस्पेंशन कहेंगे. ये आम है, जैसे कि आलू के अंदर स्टार्च पाई जाती है, आप उसको कट करके पानी के अंदर डालें तो वो सोल्यूशन भी क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, क्लाउडी अपीयरेंस देता है. तो वहाँ से हमें ये बात जो है वो पता चल सकती है. इन अ सस्पेंशन, सस्पेंशन के अंदर वन सब्सटेंस डज नॉट डिजॉल्व और मिक्स इवनली, कि एक चीज़ जो है वो नहीं मिक्स होती बराबरी से या फिर एक जैसी. व्हेन मिक्स्ड विद अ लिक्विड एंड रिमेन सस्पेंडेड, जब आप उसको पानी में हल करते हैं और वो सस्पेंड रहती है, यानी नज़र आती रहती है. सस्पेंशन और क्लाउडी, सस्पेंशन हमेशा धुंधले ही होते हैं. मडी वाटर इज़ अ काइंड ऑफ सस्पेंशन, जैसे गंदा पानी जो है वो भी सस्पेंशन की किस्म है. All parts of a suspension are not evenly mixed. तमाम हिस्से suspension के एक जैसे जो है वो mix नहीं होते. And can be separated easily. और उनको आप आसानी से जो है वो अलहदा कर सकते हैं. Mix some clay. Mix करें थोड़ी clay को, मिट्टी को with water, पानी में. It will be cloudy. तो ये भी धुंधली हो जाएगी. Leave it for some time. थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. You will notice, आप देखेंगे that the clay will settle to the bottom, कि थोड़ी देर के बाद वो जो मिट्टी आपने उसमें डाली थी वो क्या हो गई है, पानी में नीचे बैठ गई है. When a suspension is kept still, जब suspension को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, the solid pieces fall and settle at the bottom of the suspension. तो ये क्या होता है कि उसके अंदर जो solid आपने सल्यूट डाला था वो नीचे बैठ जाता है और suspension कहलाता है. सम एग्जाम्पल सस्पेंशन के नीचे जो है आपको दी है, जैसे ये लेमोनेड है. अक्सर ये जो सिरप होते हैं हमारे पास, इन पे भी लिखा होता है कि इसको हिला कर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर भी जो सोल्यूट है वो नीचे बैठे होते हैं, अगर आप उसको हिलाएंगे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. इसी तरह से स्प्रे है जो आप अक्सर घरों में इस्तेमाल करते हैं हम लोग चीज़ों की सफाई के लिए, तो वो भी ऐसे उसको भी हिला के जो है वो फ्री करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी सोल्यूट जो है वो सस्पेंशन है, यानी उसके अंदर जो सोल्यूशन ऐड किया हुआ है. अब सोल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है, हमारा लास्ट टॉपिक. फर्स्ट वन इज पार्टिकल्स हैं जो साइज सोल्यूशन के छोटे होते हैं, पार्टिकल साइज है जो सस्पेंशन के वो बड़े होते हैं. सोल्यूशन में पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप. लो पावर माइक्रोस्कोप के साथ आप सोल्यूशन के पार्टिकल्स को देख ही नहीं सकते, लेकिन पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आई. और सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं आपको आम आँख से ही नज़र आ जाते हैं, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. थर्ड वन इज सोल्यूशन पार्टिकल इन ए सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन. जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के वो नीचे नहीं बैठते, चाहे आप उसको ऐसे ही कितनी देर के लिए भी क्यों ना रखें, लेकिन पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंशन के वो सेटल डाउन हो जाते हैं, बॉटम में बैठ जाते हैं. सोल्यूशन क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, शफाफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. हम जो है वो जब उसको मिक्स कर लेते हैं फिर हमें नहीं पता चलता इस चीज़ को कि इसके अंदर कोई चीज़ हल हुई है. जैसे आप वाटर को ऐड करते हैं तो आप बाद में उसको देख सकते हैं, वो स्टिल जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहता है, क्लियर ही रहता है. इट इज़ नेदर क्लियर नॉट ट्रांसपेरेंट. लेकिन सस्पेंशन जो है ये क्लियर नहीं होता ना ही ट्रांसपेरेंट होता, आपको इसके आर पार नज़र नहीं आता कि इसके अंदर क्या है. कंपोनेंट जो सोल्यूशन के कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आप सोल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते इसके कंपोनेंट को, लेकिन सस्पेंशन को आप कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट. सोल्यूशन कैन कंटेन डिजॉल्व सब्सटेंसेस. सोल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो हल हो जाते हैं, लेकिन सस्पेंशन के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो इनसॉल्युबल रहते हैं, वो हल नहीं होते. तो ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग. ये हमारी जो थी वो रीडिंग थी कंप्लीट. अब इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम बच्चों. हम जो है इस वीडियो के अंदर क्लास सिक्स की हम जो है लर्निंग ऑफ साइंस पढ़ रहे हैं, और लर्निंग ऑफ साइंस का हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो उसकी एक्सरसाइज
ये हम जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम जो है पिछले वीडियोस के अंदर हम अलग अलग एक वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो चेक कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं. हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था, उसको एक्सप्लेनेशन देखी थी. इसके बाद हमने दूसरी वीडियो के अंदर जो है वो इसकी रीडिंग चेक की थी, और अब हम जो है वो तीसरी वीडियो के अंदर थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, और लिखा हुआ आइडेंटिफाई ईच टर्म डिस्क्राइब्ड इन द राइट कॉलम ऑफ द टेबल एंड राइट द टर्म इन द लेफ्ट कॉलम. आइडेंटिफाई करें, पहचाने हर टर्म को जो कि आपको इन्होंने दी हुई है ये इस कॉलम के अंदर, और ये किस चीज़ की डेफिनेशन बनती है उसको आपने कॉलम ये ए में लिखना है. तो सबसे पहली टर्म है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सबसे ज़्यादा मिकदार सॉल्यूट की, दैट कैन बी डिसॉल्व बाय अ सॉल्वेंट, जो हल कर सकता है कोई भी सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास जो है वो टेम्परेचर में हम उसको जो है वो क्या कहते हैं. हम ये जो चैप्टर है ये पढ़ चुके हैं इससे पहले, और इस चैप्टर में जो है वो हमने ये देखा भी है कि ये सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम सॉल्युबिलिटी, हल पजीरी. किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितने मिकदार सॉल्यूट की हल होती है ख़ास टेम्परेचर के अंदर, वो उसकी हल पजीरी कहलाती है. उसके बाद डेफिनेशन नंबर टू है द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच डिसॉल्व, सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो हल हो जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, वो है सॉल्यूट. सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, और जो हल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जो हल करता है हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. थर्ड वन इज कम्पोज ऑफ टू और मोर सब्सटांसेस विच आर मिक्स टूगेदर एंड कैन बी सेपरेटेड ईजीली, ये मिलके बना है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से जो कि मिक्स हो जाती हैं और आप उसको सेपरेट कर सकते हो बड़ी आसानी से, तो ये है मिक्सचर. नंबर फोर इज टू और मोर सॉलिड मेटल्स विच आर कम्प्लीटली मिक्स, दो या दो से ज़्यादा ऐसे सॉलिड जो है मेटल जो आपस में मुकम्मल तौर पर हल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉय. नंबर फिफ्थ इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच डिसॉल्व द सॉल्यूट, वो हिस्सा सॉल्यूशन का जो कि सॉल्यूट को अपने अंदर हल करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. नंबर सिक्स इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विच आर मिक्स कम्प्लीटली एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाई एज सेपरेट सब्सटेंसेस, दो या दो से चीज़ों से मिलकर बनी हुई ऐसी न्यू टर्म, ऐसी जो है नया सब्सटेंस जो कि मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को हल कर लेता है और आप इसको जो है इतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन. नंबर सेवन्थ इज अ लो कंसेंट्रेशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी लो जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट. नंबर एट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन, ये सबसे ज्यादा मिकदार है सॉल्यूट की जो कि हल हो सकती है सॉल्यूशन के अंदर तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड. नंबर नाइन्थ इज दिस इज क्लाउडी एंड नॉट क्लियर, ये क्लाउडी होता है और क्लियर नहीं होता, इसको हम वो क्या है उसको बोलते हैं, सस्पेंशन. एंड नंबर टेंथ इज दिस सॉल्यूशन हैज हाई परसेंटेज ऑफ साल्ट एंड मिनरल देन एनी अदर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, इस सॉल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा मिकदार होती है साल्ट्स की और मिनरल्स की किसी भी और पानी के कुदरती सोर्स की निस्बत, तो ये है सी वाटर. क्वेश्चन नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स बाय फाइंडिंग द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसको फिल करें और आपने वर्ड्स फाइंड करने हैं लेसन के अंदर से. ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है हमें यहाँ पे इन्होंने, ये आपका बुक में मौजूद है, यहाँ पे ये वाला दिस वन, ये पैराग्राफ जो है ये आपको उन्होंने बुक पे दिए, तो इसमें से जो मिसिंग लेटर्स हैं जो वर्ड्स उन्होंने दी हुए वो लेसन के अंदर से देख के हमने यहाँ पे लिखेंगे. नंबर वन, अ डैश पॉइंट, अ सैचुरेशन पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये सबसे अहम प्रॉपर्टी है किसी भी सॉल्यूशन की. सैचुरेशन पॉइंट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, सैचुरेशन पॉइंट जो है इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा मिकदार होना सॉल्यूट की, ऑफ सॉल्यूट
दैट कैन बी, जो कि हो सकता है डिजॉल्व हल इन अ सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल व्हेन यू ऐड शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर, एक जो है पानी के ग्लास में, इट विल डिजॉल्व इन इट, तो वो उसके अंदर हल हो जाएगा. बट व्हेन यू कीप ऑन एडिंग शुगर इन वाटर, लेकिन जब हम मसलसल शुगर को ऐड करते रहेंगे पानी के अंदर एट अ सर्टेन, तो एक जो है वो सर्टेन खास पॉइंट पे जाके नो मोर शुगर विल डिजॉल्व इट, मजीद शुगर उसके अंदर हल नहीं होगी. दिस पॉइंट इज नोन एज, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, दिस सैचुरेशन पॉइंट. एंड द सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मजीद सॉल्यूट जो है वो हल नहीं हो सकते. एंड द एक्सेस, और जो ज्यादा अमाउंट है ऑफ द सॉल्यूट, उस सॉल्यूट की विल सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाएगी एट द बॉटम ऑफ इट्स कंटेनर, इस बर्तन के जो है वो निचले हिस्से में. एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज द, और एक जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसके पास एबिलिटी होती है टू डिसॉल्व हल करने की, मोर सॉल्यूट ज्यादा सॉल्यूट, अंटिल इट रीच इट्स सैचुरेशन पॉइंट, जब तक कि वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता. इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ट्रू फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. टी लिखें ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ लिखें फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. सबसे पहले, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड, सॉल्यूशन जो है एक मिक्सचर है सॉलिड का, दैट डिसॉल्व कम्प्लीटली इन लिक्विड, जो कि हल हो जाता है मुकम्मल तौर पर एक लिक्विड के अंदर. तो यस ट्रू. नंबर टू इज सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन आर कॉल्ड सॉल्वेंट. वो सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स जो कि हल हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर उसको सॉल्वेंट कहते हैं. फॉल्स, क्योंकि उसको तो सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्वेंट तो हल करता है. नंबर थर्ड इज इन ए शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, शुगर और वाटर सॉल्यूशन के अंदर शुगर इज सॉल्वेंट एंड वाटर इज सॉल्यूट. शुगर जो है वो सॉल्वेंट है और वाटर जो है वो सॉल्यूट है. फॉल्स, बिकॉज देयर शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट. शुगर जो है वो सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है. व्हेन अ सॉल्यूट इज नॉट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, जब एक सॉल्यूट हल नहीं होता एक सॉल्वेंट के अंदर, वी से दैट द सॉल्यूट इज इनसॉल्युबल, तो हम कहते हैं कि ये सॉल्यूट क्या है, इनसॉल्युबल है. ट्रू. नंबर फिफ्थ इज द फूड वी ईट चेंज इनटू सस्पेंशन ड्यूरिंग डाइजेशन, जो खाना हम खाते हैं उसको बदल दिया जाता है, सस्पेंशन में बदल जाता है वो, डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान नहीं, ये फॉल्स है, वो सॉल्यूशन में बदल जाता है. नंबर सिक्स इज आर अर्थ इज कम्पोज ऑफ 70-90% वाटर, हमारी जो ज़मीन है वो 70-90% पानी पर मुश्तमिल है. यस ट्रू. नंबर सेवन इज डाइल्यूट हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि थोड़ी मिकदार है सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की बहुत ज़्यादा है. यस दिस इज ट्रू. नंबर एट इज सैचुरेशन पॉइंट इज अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, सैचुरेशन पॉइंट जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी है. नो, दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नंबर नाइन्थ इज इन लिक्विड पार्टिकल्स आर मूव टू आर एबल टू मूव अराउंड एंड पास ईच अदर, लिक्विड के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि इसके पार्टिकल्स काबिल हैं कि वो मूव कर सकते हैं और पास कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर. यस ट्रू. नंबर टेंथ इज इन सस्पेंशन पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आई, सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स को हम आम आंख से देख सकते हैं. यस ट्रू. नाउ रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है हमें इसको केयरफुली रीड करना है और फिर आंसर्स देने हैं जो नीचे उन्होंने पूछे हैं. इन साइंस, साइंस में अ मॉडल इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट अ साइंटिफिक स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, मॉडल एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, जाहिर करने का साइंसी साख्त और अमल को. साइंटिस्ट यूज अ पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं जो है मैटर का पार्टिकल मॉडल टू एक्सप्लेन, वजाहत करने के लिए द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज, सॉलिड लिक्विड और गैसेज की खसूसियात को.
यू नो दैट एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर. आप जानते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी है. इट इज़ फाउंड इन थ्री स्टेट्स, और ये तीन हालतों में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में. द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर हेल्ड टाइटली टुगेदर. जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो जुड़े होते हैं आपस में इन अ फिक्स्ड एंड रेगुलर पैटर्न, फिक्स और रेगुलर पैटर्न में, यानी कि अपनी जगह नहीं छोड़ते और रेगुलर अरेंजमेंट होती है. द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल. जो जगह है पार्टिकल्स के दरमियान में वो बहुत थोड़ी होती है. एंड दे वाइब्रेट इन अ फिक्स पोजिशन, और वो अपनी जगह पर ही रह के वाइब्रेट करते हैं. इन सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव प्लेस टू प्लेस. सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं. इन लिक्विड पार्टिकल्स आर एबल टू मूव अराउंड. लेकिन लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स काबिल होते हैं कि वो मूव कर सकें एंड पास ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर पास करते हैं. द स्पेसिस आर बिट लार्ज, इनके दरमियान में जो जगह है वो भी ज़्यादा होती है देन इन सॉलिड सॉलिड के नस्बत. लिक्विड फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. लिक्विड जो है वो फ्लो करते हैं और उस बर्तन की ही जगह जो है वो शक्ल ले लेते हैं. एंड दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्क्वैश्ड, इनको आप वो नहीं कर सकते, दबाव नहीं डाल सकते इसके ऊपर. द पार्टिकल्स एंड गैसेस के कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन. पार्टिकल्स हैं जो गैसेस के, वो हर जगह हर सिमत जो है वो मूव कर सकते हैं. स्पेसिस बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर लार्ज, इनके दरमियान में जो जगह है वो बहुत ज़्यादा है. दे मूव क्विकली इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बड़ी तेज़ी से एक ही जो है लाइन में हरकत करते हैं. द पार्टिकल्स एंड गैसेस फ्लो एंड कम्प्लीटली फिल द अवेलेबल स्पेस. जो पार्टिकल्स एंड गैसेस के, वो फ्लो करते हैं और मुकम्मल तौर पर जो है वो जगह घेर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, और जो पार्टिकल मॉडल है मैटर का, उसके मुताबिक सॉलिड लिक्विड गैसेज आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ये मिलकर बने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. एंड दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, और ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं दैट वी कैन नॉट सी देम विदाउट अ माइक्रोस्कोप, कि हम इन्हें माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते. ये पैराग्राफ हम बुक में भी पढ़ चुके हैं, हमने इसको दोबारा रीड किया है, बुक से ही लिया गया. अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द वर्ल्ड मॉडल इन द लाइट ऑफ साइंस. साइंस की लाइट में मॉडल का मतलब बताएं. तो साइंस में अ मॉडल इज़ अ वे, तरीका है रिप्रेजेंट करने का, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, और साइंटिस्ट यूज करते हैं इनका मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर्टीज को. यहाँ तक. नंबर टू इज व्हाट आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. तो ये थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नंबर थर्ड इज डिफाइन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये हर एक में से एक लाइन लेनी होगी. यहाँ से द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड रेगुलर पैटर्न. इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर एबल टू मूव अराउंड एंड पास ईच अदर. एंड द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन. देन है वाई वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. हम क्यों नहीं देख सकते पार्टिकल्स मैटर के. यहाँ से लास्ट के, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैसेज जो है वो बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने, इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नज़र आम आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. दिस इज ऑल अबाउट read the information, read the following word search. Find all words given at the bottom of the grid. इस ग्रिड के नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको ढूंढना है आपने इस लेसन के अंदर से. सबसे पहले है अलॉय, कुछ जो है ये वर्ड्स पहले से जो है अलॉय. तो ये अलॉय जो है ये आपको कहाँ मिलेगा. दिस इज अलॉय. देन डाइल्यूट, ये है डाइल्यूट. सेकेंड वन इज, थर्ड वन सल्यूट, ये है सल्यूट. फोर्थ वन इज सॉल्वेंट, फोर्थ वन इज सॉल्वेंट, ये है हमारे पास. उसके बाद है उन्होंने बोला
मिक्सचर नीचे, तो मिक्सचर को ढूंढ लें, ये है हमारे पास लास्ट में मिक्सचर। उसके बाद है हमारे पास इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल को ढूंढना है हमने, तो इनसॉल्युबल जो है वो हमें कहाँ मिलेगा, ये है नीचे इनसॉल्युबल। उसके बाद है हमारे पास सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ये है ऊपर। सॉल्युबिलिटी के बाद है सैचुरेटेड, ये है हमारे पास सैचुरेटेड। उसके बाद है हमारे पास सस्पेंशन, तो सस्पेंशन जो है वो हमें कहाँ मिलेगा, ये है। सस्पेंशन के बाद है अनसैचुरेटेड, ये ऊपर सबसे। अनसैचुरेटेड के बाद है कंसेंट्रेशन, तो ये हमारे पास यहाँ पे साइड पे मौजूद है। ये हमने सारे वर्ड्स ढूंढ लिए हैं यहाँ से। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, इनके आंसर्स अपने लेसन से देख के इसको नोटबुक पे नोट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सॉल्यूशन, गिव एग्जांपल्स, हम देखते हैं इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा। पेज हमें मिलेगा 65 में, व्हाट इज सॉल्यूशन, तो यहाँ से हम लगाएंगे इसको। Solutions are composed of substances which are mixed completely and cannot be identified as separate substance. यहाँ पे हमें इसकी डेफिनेशन भी मिलेगी और यहीं पे यहाँ तक ये एग्जाम्पल है जो ये पूरे पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर टू है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन एंड गिव गुड एग्जाम्पल ऑफ ईच, और दोनों के एग्जाम्पल भी दें। अगेन आप इसी पेज में आएँ तो ये जो नीचे है यहाँ पर आपको यहाँ पर ये सॉल्यूट और जो नीचे है सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के आपको एग्जांपल्स मिलेंगे और साथ सॉरी डेफिनेशंस मिलेंगे और साथ में ये आप एग्जांपल कोड कर सकते हैं दोनों के। क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ हाउ सॉल्यूशंस आर यूजफुल, सॉल्यूशंस कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद है, अपने आंसर को जो है वो बयान करें। पेज नंबर 66 पे आ जाएँ तो यहाँ पर जो है हमें डेली इनके फ़ायदे बताए हैं कि जैसे ब्लड प्लाज्मा, जो खाना हम खाते हैं वो भी, जो मिनरल ओर्स हम हासिल करते हैं, सारे सॉल्यूशन फॉर्म में है। फिर इसके बाद जो है प्लांट्स को हेल्प करते हैं ये मिनरल्स वगैरह को अब्जॉर्ब करने में, सी वाटर भी एक सॉल्यूशन है, रेन वाटर भी एक सॉल्यूशन है, ये सारी जो है इसकी एग्जांपल्स सॉल्यूशन की यहाँ पे नोट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं अपने अपना, एक्सप्लेन डायल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन विद एग्जांपल, डायल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की जो है वो आपने मिसाल के साथ वजाहत करनी है। तो इसके लिए आप आ जाएँ पेज नंबर 67 पे, यही तो यहाँ से ये जो पैराग्राफ है यहाँ तक विद एग्जांपल ये सारा, क्योंकि इसमें कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन दोनों को एक्सप्लेन किया गया है और साथ में एग्जांपल भी कोड की गई है। देन क्वेश्चन नंबर है हमारा फाइव, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में फ़र्क बताना है। तो इसके लिए आप आएंगे पेज नंबर 68 पे यहाँ, तो यहाँ आपको इस पैराग्राफ के अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस भी और एग्जांपल्स भी जो है वो मिल जाएंगे। देन पेज नंबर अगेन एक्सरसाइज 73 क्वेश्चन है हाउ डज सॉल्युबिलिटी, व्हाट डज सॉल्युबिलिटी मीन, सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, और इसकी एक मिसाल भी दें। तो आप आ जाएंगे पेज नंबर 69 पे सॉल्युबिलिटी, तो इसके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमें डेफिनेशन भी मिल जाएगी इसकी और साथ में एग्जाम्पल जो है इतनी भी काफ़ी है, लेकिन अगर ज़्यादा वजाहत करनी हो तो फिर ये नीचे सारी एग्जाम्पल जो इसमें कोड करनी पड़ेगी नीचे सब सारा, लेकिन यहाँ तक भी इनफ है। इसके बाद नेक्स्ट है पेज
क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू नो अबाउट सस्पेंशन, आप सस्पेंशन के बारे में क्या जानते हैं? तो सस्पेंशन के लिए हम आ जाएंगे पेज नंबर 70 पे. यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द सस्पेंशन. तो ये आपने विद एग्जांपल्स जो हैं ये आपने सारा लिखना है कि सस्पेंशन के बारे में हम क्या जानते हैं. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट इज पॉइंट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन. आपने पॉइंट आउट करने, फ़र्क बताने हैं सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है. तो उसके लिए आप आ जाएंगे पेज नंबर 70 पे अगेन, और यहाँ पे जो है ये लास्ट पे सॉल्यूशन और सस्पेंशन में फ़र्क दिया गया है, ये आप जो है वो इस चैप्टर, इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे. तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज जो है ये ख़त्म हो जाती है. अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम इसका इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, रीडिंग एंड एक्सरसाइज सब कुछ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.